बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा अच्छा लग रहा हो कि नहीं पता नहीं मुझे, अभी रिसेंटली मैंने बाल वगैरह कटवाए थे तो पता नहीं लुक्स कैसे आ रहे हैं। बट आज मैं जा रहा हूँ मुंबई, गौरव का वीज़ा के लिए इंटरव्यू है, फैमिली के साथ जा रहा हूँ। मम्मी पापा भी अभी जस्ट आ रहे, मैं जस्ट नीचे आया था गाड़ी निकालने के लिए, तो अभी गाड़ी निकालते फटाफट निकलते। अभी तो बज रहे सुबह के लगभग, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, 3:58 और हम जा रहे हमारी वरना लेके, अपनी धनो तो पीछे खड़ी है, ये गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो चलो शुभारंभ करते हैं। ओके भाई डन, चलो निकलते हैं। पप्पा जी भी आ गए तो मिलते हैं डायरेक्टली मुंबई में। अभी कितना टाइम जाएगा पता नहीं, गेट उगाड़ दूंगे तक, गेट उगड़ूंगे तक पप्पा ठीक देन दी मधे गाड़ी ठीक देना टाकून देना मागे। चलो भाई निकलते हैं, अभी मिलते हैं डायरेक्टली रास्ते पे, क्योंकि अभी बीच में तो कुछ दिखाने जैसा है नहीं, अंधेरा है सब, तो डायरेक्टली मुंबई में ही मिलते हैं सुबह सुबह। चलो जस्ट मुंबई एंटर किए, जस्ट कल्याण बाईपास क्रॉस कर रहा हूँ और हालत देख लो भाई साहब, पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है। अभी बज रहे सुबह के लगभग 6:27, मतलब 6:30 बज चुके हैं। इतनी हालत खराब हो गई ना, मुंबई नासिक से मुंबई पहुंच गए 2 घंटे के अंदर अंदर, मतलब 4 बजे के आसपास हम लोग निकले थे, 4:15 बजे के आसपास, और 5:30 बजे तक तो हम लोग पहुंच भी गए थे कल्याण बाईपास पे, लेकिन एक गड्ढे से हम लोग ऐसे ही रेंग रहे पूरा धीरे धीरे धीरे। सो अभी ऑटोमेटिक का अपना फायदा हो रहा है, आराम से चल रहा है, फुल एंजॉय करते हुए। मुंबई में भाई साहब इतना पैसा है ना लोगों के पास, 35 लाख की गाड़ी को भी टूरिस्ट परमिट में चलाते हैं। ये BYD की गाड़ी इंडिया में आके साल भर नहीं हुआ है और टूरिस्ट पासिंग में चलने लग गई, वाह। मतलब कुछ भी लोग मुंबई में पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे भी कल्याण बाईपास से निकला हूँ ना भाई साहब, अभी तक ट्रैफिक में हूँ, मतलब गाड़ी का स्पीड है ना अब तक 40 के ऊपर नहीं गया है कंटिन्यूसली। अभी मैं बांद्रा में BKC की इधर आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक गाड़ी का स्पीड 40 के ऊपर नहीं गया, पूरा ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, मतलब इतना हालत खराब हो गया ना। ऊपर से गर्मी देख लो, 36 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, लो पूरा लो करके AC चला रहा हूँ, लेकिन गाड़ी ठंडा नहीं हो रहा है भाई साहब। मतलब मुंबई का गर्मी वैसे ही हालत खराब करता है। ठीक है चलो अभी क्या कर सकते हैं, चलो पहुँच गए अभी मंजिल पे, मिलता हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, हालत तो खराब हो गई है वैसे ही, मिलते हैं अभी। साहब क्या खतरनाक वाली गर्मी है मुंबई में, मतलब हालत खराब होती जा रही है पता है। लिटरली अभी आप देख लो 37 डिग्री सेल्सियस है, लो पे सेटिंग है, फुल स्पीड में AC छोड़ा हुआ है, गाड़ी चालू रखा है भाई साहब, और मैं पार्किंग में गाड़ी लगा के बैठा हूँ। मम्मी पापा सामने की तरफ गए, उधर गौरव का इंटरव्यू अभी वीजा के लिए, तो अभी वो कहाँ पे जा रहे क्या जा रहे उसको छोड़ने जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं। लेकिन अब के डेट में भाई साहब हालत, मतलब है ना, मैं लिटरली एक सेकंड के लिए मैंने गाड़ी बंद नहीं किया, मुझे इतना, मतलब अभी मुंबई में इतने साल रहा हूँ, काम किया है, धूप में यहाँ वहाँ भागा हूँ, लेकिन उस टाइम पे इतना फील नहीं हुआ जब आज नासिक में इतने दिन निकलने के लिए, 8-7-8 महीने निकलने के बाद जब वापस मुंबई आ रहा हूँ, ऐसी हालत हो गई है, ऐसा लग रहा है कम से कम कि भाई नहीं, ये वर्स्ट है, ये बहुत वर्स्ट है, इसलिए अभी ये नहीं चाहिए। ठीक है चलो अभी घूमने जाने का भी प्लान है, थोड़ा सा कोस्टल रोड वगैरह भी थोड़ा एंजॉय करेंगे, देखते हैं जो रास्ते में जैसे मिलेगा वैसे एंजॉय करते जाएंगे। वापस नासिक भी पहुंचना है आज के आज, क्योंकि अपना बिजनेस तो चालू है भाई साहब, बिजनेस तो बंद नहीं रख सकते, तो वापस जाना पड़ेगा, तो मिलता हूँ आपको वापस से। I work blind, got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. Just sailing cross kiya abhi hum logon ne. Abhi hum log ja rahe coastal road ki taraf. Mujhe pata nahi exactly wo kahan se shuru hota hai, but doubt, maine to Google map bhi laga liya hai waise abhi. देखते चलो कहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से यू टर्न है नरीमन पॉइंट, बराबर यहाँ से यू टर्न मारना है हमें, यू टर्न मार के फिर कोस्टल रोड पे कनेक्ट होगा। ये पॉइंट आ गया अपना नरीमन पॉइंट के लिए, यहाँ से दिखा रहा है
सीलिंग के लिए यू टर्न है, नरीमन पॉइंट के लिए उस तरफ से हमें जाना है लगभग ये रोड से, और जूम आउट कर लेता हूँ। तो पसीने से हालत तो ख़राब हो गई थी, गाड़ी अभी भी ठंडी नहीं हो रही है, फुल ब्लोर पे एसी है, फुल चल रहा है, लेकिन अभी भी मुझे पसीना आ रहा है, मुझे ही नहीं सबको ही आ रहा है पसीना, ऐसी हालत ख़राब हुई पड़ी है। क्या होगा मुंबई का पता नहीं आगे। चलो अभी तो फ़िलहाल हम लोग ये कोस्टल रोड की एंजॉयमेंट लेते हैं। भाई साहब मुझे तो लगा नहीं था मैं आ पाऊँगा ये रोड के लिए, क्योंकि मुंबई को छोड़ दिया था हमने अच्छे शिफ्ट हो गए थे नासिक। देखते हैं, चलो अभी नासिक से मिल गया चांस तो हम चलते हैं घूमते हैं वापस फिर। तो कुल्ला रोड है गौरव, तो पनवेल्ला कनेक्ट कर दो तो अटल सेतु अटल सेतु ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं, पता नहीं मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, दिमाग में था भूल गया, अभी जाते जाते पता चल ही जाएगा, नोट्स में लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे जाके देख लेंगे। तो उससे उसके थ्रू हम लोग पनवेल जाएंगे, फिर नेरोल जाएंगे, नेरोल से फिर नासिक निकलेंगे। चलो ओ पप्पा हम नवीन रोड वर होंगे ना, कोस्टल रोड वर आगे कोस्टल रोड चालू वाला अजून तो सुरुवात आहे, कुठे गाड्या लागल्यात जाया, तिकडे कन्स्ट्रक्शन चालू आहे ना म्हणून जाया लावून ठेवल्यात। आता इथून जाते गाडी कुठून तरी खालून, खतरनाक रोड बनवले गौरव, पुरा माहोल बनवलेला डायरेक्ट, का कुठून काय कसं कळत नाही, रोड बघ ना कुठून कुठले जात आहे कसे जात आहे काही कळत नाही। पहिले काही नव्हतं, एक बी रोड नव्हता, आता काय दर्गावर पार्टी काढले, आता काही उतरताय ना, आता हा रोड डायरेक्ट नरीमन पॉइंटला निघेल, काय बाहेर उतरायची जागा पाहिजे। अहो त्यांनी रोड तसा बनवला आहे की इथं ट्रॅफिक व्हायची ना म्हणून वरच्यावर काढून टाकलायची ती डायरेक्ट। हा आता इथून जर सुरुवात केली तुम्ही तर डायरेक्ट बोरीवलीला तुम्ही या हायवेने जाऊ शकता, मुंबई ते बोरीवली डायरेक्ट रोड आहे। आता हा जा बोरीवली कसं आहे गुजरात हायवे वसई विरार बोरीवली पालघर ही साइड गौरव रोल्स रॉयस गोस्ट 15 crore चालले रस्त्यावर गोस्ट 15 crore गाडी तिच्यात नाव आहे, ही जगातली सगळ्यात महागडी गाडी पप्पा, म्हणजे उदाहरण तुम्हाला द्यायचं म्हटलं तर एकाने जी गाडी घेतली होती बरं का, तर तो हिच्याने प्रवास करत होता आणि त्यावेळेस भूकंप आला बरं का, तर तो घरी पोहोचून गेला तोपर्यंत त्याला माहित नाही की तो प्रवास करत होतो, पण तेव्हाच भूकंप आला होता असं म्हणजे त्या गाडीचं त्या लेवलची क्वालिटी भाऊ असं। अरे आई हे बघून घे समुद्र तुम्ही जातोय वरती समुद्र समुद्रातून चालला तुम खाशी येते इथल्या रस्त्याची इथं वेगळं करेल ते महत्व ना का कसं काय बनवला रे असं समुद्राच्या मध्ये रे स्पीड लिमिट आहे भाऊ, किती स्पीड लिमिट 30-40 स्पीड लिमिट आहे वाटतं, कसं शक्य 30-40 स्पीड लिमिट लिकेजेस झालेत ना पप्पा सुरू, हा लिकेज व्हायला लागले ना बऱ्याच ठिकाणी, लिकेजेस आढळून आलेत म्हणे आता मुंबईत बनलंय म्हटल्यावर थोडेफार क्वालिटी दिली असेल त्यांनी, असं तो होणार नाही, कन्स्ट्रक्शन क्वालिटी तर चांगली वाटतीय, बाकी रिअलिटी तर आता बाहेर गेल्यावरच म्हणजे काचेचा बनवायला पाहिजे ऐक शपथ डायरेक्ट काचेचा पप्पा समुद्रात सगळं पाणी मग काय जात काय येत ऍक्वेरियम टाईप एक नंबर झाला असता नाही गौरव, तसं तर 60 स्पीड लिमिट आहे भाई साहब, बहुत लंबा रोड आहे, बहुत मतलब बहुत लंबा रोड आहे, लिटरली मुझे अभी गाड़ी के अंदर लाइट लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरा चेहरा ही नहीं आपको दिखेगा, उतना लाइट नहीं है, बाहर की तरफ अच्छी खासी लाइटिंग की हुई है
नेटवर्क नहीं है? दिखा इधर दिखा। वाह भाई साहब, जियो ने नेटवर्क दिया है, कुछ भी बोलो। टनल के नीचे आज भी जियो का नेटवर्क आता है, मानना पड़ेगा भाई जियो को। अंबानी जी जिंदाबाद। वाह, समुन्द्र के अंदर भी नेटवर्क लेके आ गए। खाली पर राउटर बसवले का काय? भरोसा नहीं अंबानी साहेबांचा, तो भरोसा नहीं। 60 का स्पीड लिमिट है भाई साहब, तो हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, बिल्कुल रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे। हो आता मला खरंच माहित नाही कुठं निघणार आहे, मी फक्त चाललो या रस्त्याने। चांगली मोठी नगर बऱ्यापैकी लंबाला जगे, बऱ्यापैकी लांब आहे। मला आता एक्झॅक्टली माहित नाही आपण कुठं निघू, पण नरीमन पॉईंटच्या आसपास कुठेतरी निघू आपण असं मला वाटतं। रस्त्याला थांबायला तर अजिबात अलाउड नाही आहे। मर्सडीज मे बॅक, भाई साहेब क्या दिन है मेरा आज। आज तो रोल्स रॉयस, मर्सडीज, रेंज रोवर सब देखने को मिल रहा है, सब कुछ खत्म हो गया लगता है। हो गया भाई, हो गया, खत्म हो गया। नहीं आता आलो होते ना पापा, फोटोज वगैरह आलो होते ना, बरेच ठिकाणी लिकेजेस वगैरह सापडले म्हणत होते ते। कारण की आता जे न्यूज आर्टिकल होता, आता 2-3 दिवसापूर्वीच न्यूज आर्टिकल आहे किंवा लिकेजेस वगैरे फाउंड झाले होते। आता खरं काय खोटं काय माहित नाही। स्ट्रक्चरल डिझाईन एक नंबर आहे भाई साहेब यहाँ का, मतलब मरीन लाईन स्टेशन काळबा देवी। अरे हो रे, मरीन ड्राइव्हला आला ना डायरेक्ट पाय। हा बरोबर, हा तो इंडियन ऑइलचा पेट्रोल पंप बरोबर, जी आले इधर येऊन गेलो डायरेक्ट आपण। आयशप्प एक नंबर भाई साहब, डायरेक्ट मरीन ड्राइव्ह, इधर नाही उधर नाही, डायरेक्ट मरीन ड्राइव्ह पे टच हो चुके यहाँ से। पाहिलं का तुम्ही गौरव? आता इथून डायरेक्ट पनवेलचं लोकेशन टाक, पनवेलचं लोकेशन टाक, पनवेल पनवेल मी तू सांगतो चल। ये बिल्डिंग देख के आप लोगों को कुछ ध्यान में आया तो पता नहीं, बट समझ जाओगे आप लोग। इसका स्टेयरकेस का थोड़ा सा डिजाइन देख लो और बाकी का इसका स्ट्रक्चरल डिजाइन। अटल सेतु पे हम लोग जा रहे हैं, देखा कैमरे उस तरफ करो, उत्तरी उत्तरी। ये देखो भाई साहब होशियार चंद, ये अटल सेतु पे जाने की जगह पे रिवर्स मार रहे हैं। ओए मैं चक्कर आ रही कड़ा जरे क्या करे सातर का पीछे बोला था, रॉन्ग रॉन्ग एडो बना कर रहा मैं यार, बोला ना सातर का बिल्डिंग का दिसता यार गोर मुंबई का खरच इकडे घेतो थोडीशी कधी कोण मचे व्ह्यू म्हणजे व्ह्यू असतो मुंबईचा ना स्कूला टोल इथला डिझेल खर्च करणार तुम्हाला एन्जॉय मॅडम करता करणार तुम्ही एन्जॉय नाही करणार यार। अटल सेतू नरेंद्र मोदी उद्घाटन नाही केलं मुंबई में आकर नया जो सेतु बना है अटल सेतु उस पर ड्राइव हो रही है आज हमारी कार। अरे वाह वाह, बहुत मजे आ रहे हैं। पैसे रिकामे मोडू नको नेरूल से निकल रहे हम लोग। पप्पा खिड़की लाऊंगे
चल भाऊ खाली तू ना टेंशन लिया जस्ट अभी निकल रहे मुंबई से भाई साहब गर्मी ने हालत खराब कर दी थी ऊपर से पानी खत्म हो गया तो अटल सेतु पे तो पानी मिलने से रहा तो सीधा अभी नेरुल में आके हम लोगों ने पानी पिया मस्त ठंडा वाला बॉटल लिया है चलो भाई भाई अभी जस्ट कसरा घाट में पहुंचे थे चाय पानी किया वापस निकले मुझे तो है ना आज मतलब हम लोगों ने पूरा दिन फुल ट्रैफिक में ही निकाला है लिटरली पूरा दिन ट्रैफिक में निकला है मैंने लास्ट में मैंने डैड को बोला आप पीछे जाके बैठ जाओ आराम से मैं अभी खींचता हूँ गाड़ी फटाफट निकलते मैं खुद परेशान हो गया भाई साहब अभी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया ना बैटरी भी डाउन है कैमरा का तो चलो अभी शूट कुछ कर नहीं पाऊँगा पावर बैंक वैसे ही चार्जिंग पे लगा के रखा है चलो मिलते हैं फिर अभी नेक्स्ट ब्लॉग में अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना बाकी तो ब्लॉग थोड़े लेट आ रहे तो थोड़ा एडजस्ट कर लो यार आ जाएंगे और क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है बाकी कुछ नहीं इसी टाइम मिलेगा डालते जाएंगे ये तो बहुत बेकार चीज़ है भाई साहब ये कसारा घाट में है ना सामने ये आधे घाट सेक्शन तक है ना चढ़ने के टाइम पे रॉन्ग साइडर्स आते हैं और ऑफिशियली आते हैं उनके ऊपर आप कुछ बोल भी नहीं सकते इसके लिए इतना संभल के चलना पड़ता है ना यहाँ पे अभी यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम मिल रहा है मुझे तो।